Hey listeners, this is Ajay Tambe. I've got a new collaboration announcement for you. We are coming up with new audio drama, Prisoner's Daughter, in collaboration with Indian novelist Rajan V. Kukuri. Now, back in month of February 2022, novelist Rajan showed interest in our show's audio stories and then decided to collaborate and share his one of the favorite and based on true events short story, Prisoner's Daughter, obviously written by Rajan V. Kukuri. This is a story of a teenage girl, Swati, who discovers that her father is still alive and serving a long sentence in Vijayawada jail. From last 11 years, Swati's mother, Komal, has been waiting for Das, Swati's father, to be released from prison. At the same time, Komal isn't sure if Das suspects her of infidelity. What was the reason for Das's arrest? And what will happen to him now? Stay tuned for this audio drama releasing on Foundation Day of the show, 22nd May 2022. This is the day when we released our first ever podcast episode. On 22nd May, Prisoner's Daughter is going to release. For this audio drama, we've got a cast of 6 international artists: actor Scott Jameson, actress Breonna M. Thomas, voice artist Michael Robbins, actress Anna Rawson, actor Mike Jones, actress Sherwine Thompson, and me, obviously playing small parts throughout the story. So, what are you waiting for? Subscribe now and stay connected. Prisoner's Daughter on 22nd May. Make sure you subscribe us on podcast platforms and follow us on Instagram @podcastaudios for the latest and new updates. Make sure you follow us on Instagram @podcastaudios where you get latest updates. Thank you for listening. तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध की एक और नई लघु कथा. बुद्ध की शिक्षा से मेहनत सफल हुई. एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते. हाँ, हमेशा के लिए पानी की समस्या का छुटकारा मिल जाएगा. सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला. उसने वो जगह छोड़कर दूसरी जगह खोदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद उसमें भी पानी नहीं निकला. उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी. इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी नहीं मिला उसे. कहीं भी उसे कोई पानी का कोई चिन्ह नहीं मिला. वो निराश होकर बुद्ध के पास गया. उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी की एक भी बूंद मुझे नहीं मिली. बुद्ध को आश्चर्य हुआ. वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे. बुद्ध ने उन गड्ढों को गहराई से देखा. बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए. फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता. तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा. उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया. परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया. सब भगवान बुद्ध की जय जयकार की. चलिए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध की एक और लघु कथा. बुद्ध के ज्ञान से सेठ ने पाया सुख. धना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था.
उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वो अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे संतावना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा। बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वो जैसा ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को ये बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहे थे, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वो दर्द के मारे कराने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम चीख कड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ा कर कांटा निकाल दिया और चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसा ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हुए हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुरुवृत्ति से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वो अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। Hey everyone, thank you for listening to CreativeAudios.in podcast. This is Ajay Tambe, the host and producer of the show. Thank you for listening to the short stories of Mahatma Buddha. If you love this show, if you like this episode, please do subscribe us on Apple Podcasts, follow us on Spotify, and make sure you never miss the latest episode. New episode gets dropped every Thursday and every Sunday. Please place a review on Apple Podcasts, or you can DM me on Instagram @podcastaudios. You can DM me the review of this episode. You can also place a review on Apple Podcasts. Please, your reviews are really important. You can give us 1-star review, you can give us 5-star review. That doesn't matter. What I need is a review, a real review from you. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe. Gautam Buddha ki laghu kahani. बुद्ध, आम और बच्चे। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे, तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमें माफ कर, हमसे बड़ी भूल हो गई। मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पर बुद्ध ने कहा,
बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका, भय दे सका, मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। चलिए शुरू करते हैं अगली लघु कथा। परिश्रम के साथ धैर्य भी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की। उसने कहा, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? उस शिष्य ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे, यदि वो धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वो थोड़ी देर खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता और वो इसी तरह इतने गड्ढे खोदता रहा। उसके पास धैर्य नहीं। Hey everyone, this is Ajay Tambe. Thank you for listening to the short stories of Mahatma Buddha. We will be coming with more every Thursday on Podcast Audio Specials Hindi Kahaniya. So, if you like the show, if you like this episode, hit the like and subscribe button. Follow us on Spotify, subscribe us on Apple Podcasts. Make sure you can place the review and ratings on Apple Podcasts if you have an Apple device. Or you can just place a review on our social media handles. You can DM me or you can comment in the comment section. We are by the name @podcastaudios on Spotify. Not on Spotify. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. So, stay tuned and stay safe.